हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं परवल की सब्जी। परवल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा हम इसकी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर ले। लेकिन बहुत से घरों में देखा जाता है कि बच्चे हो या कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं कि परवल खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे परवल की सब्जी तो घर में सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी इसे बहुत ही चाव से खा लेंगे। यकीन मानिए, मैंने इसे बनाया था तो बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं परवल की सब्जी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे परवल ले लिए आधा किलो। इन्हें मैंने अच्छे से छील कर धो करके साफ कर लिया था, फिर मैंने इसे छील लिया। चाहे तो आप हल्का हल्का ही इनका छिलका उतार सकते हैं और इस तरीके से आप इन्हें बीच में से काट लें और इसके अंदर के बीज निकाल लें और एक परवल के आप चार पीस कर लें लंबे लंबे। देखिए आप चम्मच की सहायता से बीज निकाल लें आराम से और इन्हें लंबा लंबा काट लें। तो मैंने सारे परवल काट लिए हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है। इसमें हम एक चम्मच तेल डाल लेंगे, एक बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें परवल डाल के इसे धीरे धीरे हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। ये कम से कम 3-4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है, बस इतना ही तेल डालना है। परवल अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैंने साइड से चम्मच से निकालते हुए थोड़ा सा रोक के निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसी बचे हुए तेल में हम जीरा डाल लेंगे आधा चम्मच। जीरा अच्छे से चटकने लग गया है। हम इसमें एक चुटकी हींग डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 मोटे कटे हुए प्याज डाल लिए हैं और हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, जो नीचे तली में तेल बचा था उसमें ही बना लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल ना डालें। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। इसे भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तब तक हम सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी में हम 3 चम्मच दही डाल लेंगे और 1 चम्मच बेसन डाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे भरवा मसाला डाल लें, ये ऑप्शनल है, और 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल लेंगे। प्याज भी हमारे लगभग ब्राउन हो चुके हैं हल्के हल्के। अब हम इसमें 1 टमाटर डाल लेंगे। टमाटर आपको एक ही डालना है क्योंकि हम इसमें दही भी डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। इसमें हम 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे ताकि मसालों का कलर थोड़ा अच्छा आए, और इसे ढक के हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। और जो हमारी दही और बेसन का हमने मसाला तैयार किया है उसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने मिक्सी में पीस लिए हैं। अब हम कढ़ाई में मसाले डाल लेंगे जो हमने कटोरी में मिक्स किए हुए हैं, और मसाले को बहुत अच्छे से हम पका लेंगे ताकि इनमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और इस तरीके से पकाएंगे मसाले तो ग्रेवी बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट भी डाल लेंगे और इन्हें भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। मसाले हमारे अच्छे से हम इन्हें पका लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें ढक के कम से कम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं। देखिए हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये तली भी छोड़ने लग गए हैं। अब हम इसमें परवल डाल लेंगे जो हमने फ्राई किए हुए हैं। इन्हें मसाले में अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप के बराबर पानी डाल लेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सब्जी को अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसे ढक से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम में। तो देखिए हमारे परवल बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें कटोरी में निकाल लेंगे। तो देखिए बनके तैयार है हमारी परवल की सब्जी। देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए, यकीन मानिए आप इसे बनाएंगे तो सारे घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी आपको?